हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं यह रिहंत पब्लिकेशन का जो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है, आज हम लोग इसका तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग दो मॉडल सेट जो है इसका पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से उसका जो है पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और आज जो है हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 3। टोटल जो है इसमें 150 क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, इस क्रम जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है कह रहा है, इसमें कह रहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है, कौन सा एक विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूंजीवाद व समाजवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है, और इस प्रणाली में निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्र जो है सह अस्तित्व में रहता है, और इस अर्थव्यवस्था में नागरिकों को अपना व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसमें कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र जो है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है। तो मुद्रास्फीति से जो है बाजार की वस्तुएं क्या होती है, महंगी हो जाती है, क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, केरल राज्य में कौन सा खनिज है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए मोनाजाइट जो है, मोनाजाइट यह केरल राज्य में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता जो है प्रदान की गई थी। तो यह प्रदान की गई थी, याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है भारत में प्रांतों को स्वायत्तता जो है प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं कही गई है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं कही गई है। तो वह है राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में जो है राजनीतिक की जो है बात नहीं कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 11। भारतीय संविधान में जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, और ये मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग फोर का ए में जो है अनुच्छेद, याद रखिएगा, 51 का क जो है, अनुच्छेद 51 का क इसमें रखा गया है, और संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, और इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी के द्वारा जो है इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 11। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है इसमें कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है, संविधान की किस अनुसूची में हुआ है। तो देखिए यह दूसरी अनुसूची में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, किस में, दूसरी अनुसूची में। और याद रखिएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वह है 12। वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वह टोटल कितनी है, 12 है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो, क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अब 10 नंबर कह रहा है इसमें कि किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है, वेद त्रयी कहा गया है, किन तीन वेदों को। तो वह वेद है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इसमें कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है ऋषभ देव को जो है जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है, तो वह हो जाएगा यहां पे विसर्प। क्या हो जाएगा? विसर्प जो है भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मोरदार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा एक मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसमें विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्याचल पर्वत यह एक मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 15 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है याद रखिएगा वह है शनि। कौन सा है? शनि। शनि ग्रह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है, कौन सा बंदरगाह अवस्थित है, तो वह बंदरगाह है पोर्ट सईद। क्या है? पोर्ट सईद बंदरगाह जो है स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर अवस्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सी एक जड़ नहीं है, निम्न में से कौन सी एक जड़ नहीं है, तो देखिए आलू जो है, आलू यह एक जड़ नहीं है, आलू क्या है? एक जड़ नहीं है, बल्कि यह एक भूमिगत तना है। क्या है? यह एक भूमिगत तना है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर कह रहा है यहां पे कि गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम यहां पे पूछ रहा है, तो देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है यह गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम होता है, बोटेनिकल नाम जिसको बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 19 नंबर। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कह रहा है यहां पे कि टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है, टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है, तो यह संबंधित है मूंगफली से। टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो यह मूंगफली के फसल से संबंधित है, और यह रोग जो है स्कोसोपोरा पर्सिनोटा नामक फंगस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इसमें कि IBM का पूर्ण विस्तार क्या है, यानी कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए IBM का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, और यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसकी शुरुआत जो है वर्ष 1911 में करी गई थी, 1911 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत करी गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिएगा, तो ऑप्शन जो है ए जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में अपने म्यूचुअल फंड, भारत में अपने म्यूचुअल फंड SIP निवेश के लिए UPI आधारित ऑटो पे फंक्शन शुरू करने वाला पहला डिजिटल निवेश मंच कौन सा है, पहला डिजिटल निवेश मंच कौन सा है, तो वह है फोनपे। फोनपे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इसमें कि किस राज्य में उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, किस राज्य में, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, पहली भारतीय महिला कौन है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे PV सिंधु। PV सिंधु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा PV सिंधु जो है वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने रियो ओलंपिक जो हुआ था 2016 ईस्वी में, रियो ओलंपिक जो हुआ था 2016 ईस्वी में उसमें उन्होंने रजत पदक जीता था, रजत पदक, और उसके बाद जो है 2020 ईस्वी में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जो है जीता था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, किस वर्ष, तो यह शुरू किया
गया था 2020 ईस्वी में। 2020 ईस्वी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जून 2020 को, ये भी याद रखिएगा 1 जून 2020 को जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू करी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY का प्रधान उद्देश्य क्या था, प्रधान उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मेन पर्पस था वह था BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना, BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुद्री रास्ते से सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है। तो यह दिया जाता है फर्डिनैंड मैगेलन को, फर्डिनैंड मैगेलन को जो है संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय दिया जाता है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, किस वैज्ञानिक को। तो यह श्रेय दिया जाता है लुमियर ब्रदर्स को, किसको, लुमियर ब्रदर्स को जो है सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तानिया सचदेव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तानिया सचदेव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित है शतरंज से यानी कि चेस से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन था, यानी कि आइडल्स नामक पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो यह पुस्तक लिखा गया है सुनील गावस्कर के द्वारा, भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया है, आइडल्स नामक पुस्तक, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा गया है, निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा गया है। तो अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है, कौन सी एक दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है। तो देखिए इसमें कथकली जो है, कथकली यह एक दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वह दी जाती है 1 करोड़ रुपया, ठीक है, 1 करोड़ रुपया जो है इस पुरस्कार में जो है राशि दी जाती है, याद रखिएगा। और यह वार्षिक पुरस्कार है और जिसकी शुरुआत हुई थी 1995 ईस्वी में, कब हुई थी, 1995 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि अमृत से आशय है, अमृत से आशय है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि टेस्ट ऑफ माय लाइफ नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। सही आंसर हो जाएगा युवराज सिंह के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है, इनमें से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है। तो यहाँ पे नामवर सिंह जो है सही आंसर हो जाएगा, नामवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। सही आंसर हो जाएगा इसका स्पेन का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, बुल फाइटिंग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इसमें कि सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन है। सही आंसर हो जाएगा इसका भानु अथैया, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया कह रहा है इसमें अफगानिस्तान की संसद किसके द्वारा बनाई गई थी, अफगानिस्तान की संसद किसके द्वारा बनाई गई थी। तो यह बनाई गई थी भारत के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका श्री मावो भंडार नायके जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 40 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 11 मई को, कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट देख लेते हैं गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में जो है गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन किया गया था वर्ष 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा 1917 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 42 नंबर में कह रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कछारी मृदा से, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43
43 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ, कह रहा है इसमें बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो वह हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब 44 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में उपलब्ध नहीं है, इनमें से कौन सा खनिज बिहार में उपलब्ध नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्रोमाइट खनिज जो है बिहार में उपलब्ध नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर, देखिए इसमें कह रहा है कि वर्तमान में बिहार में कुल कितने ज़िले व प्रमंडल है, तो वर्तमान में जो है बिहार में 38 ज़िले व 9 प्रमंडल है, याद रखिएगा 38 ज़िले व 9 प्रमंडल, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है इसमें कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावित भारतीय मिशन का नाम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आदित्य एल वन जो है इसरो द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावित भारतीय मिशन का नाम है आदित्य एल वन। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 47 नंबर, कह रहा है इसमें कि किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है, किस राज्य की विधानसभा ने, तो सही हो जाएगा इसका केरल, क्या हो जाएगा केरल राज्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब 48 नंबर कह रहा है इसमें कि हाल ही में कच्चा तीवू नाम की द्वीप चर्चा में था, यह द्वीप निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य में स्थित है, तो यह स्थित है याद रखिएगा पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है इसमें कि किस देश ने हाल ही में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, किस देश ने, तो यह लगा दिया है रूस ने, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 नंबर कह रहा है इसमें कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई लघु फिल्म का टाइटल क्या है, तो सही हो जाएगा इसका हल्ला बोल जो है इसका टाइटल का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है 51 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें अध्ययन किया जाता है शैवाल का, किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल यानी कि एल्गी का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है, तो देखिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, बाकी धूप जल क्लोरोप्लास्ट इन सब की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 53 नंबर, देखिए कह रहा है कि डायोप्टर निम्न में से किसकी SI इकाई है, सही हो जाएगा लेंस की शक्ति, इसकी जो SI इकाई होती है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ जो कथन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 55 नंबर, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्पन्न त्वरण जो है उसमें क्या होता है, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 56 नंबर, देखिए कह रहा है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है वह क्या होता है, तो बर्फ का गलनांक जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 57 नंबर, कह रहा है इसमें कि दो या दो से अधिक तत्वों के लिए एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है यौगिक, क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 58 नंबर, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, तो सही हो जाएगा इसका न्यूट्रॉन जो है यह एक आवेश रहित कण होता है। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है, किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति होती है वह निम्न में से किस पर निर्भर करती है, तो वह निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन जो यहां पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 60 देखिए इसमें क्या कह रहा है इसमें कि CuTO तथा CU2S के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद होंगे क्या,
तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, CU और SO2। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी, जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी किस वैज्ञानिक ने, तो यह खोज किया गया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है यह खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर भी उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है किसमें, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी मरुद्भिदों में, मरुद्भिदों में जो है सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 64 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा, तो यह किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, याद रखिएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब 65 नंबर, देखिए कह रहा है कि डेंगू किससे फैलता है, तो डेंगू जो फैलता है इसमें वह फैलता है मच्छर से, डेंगू किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है वह एक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है एंजियोलॉजी, क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर दिया हुआ है कि सेकंड लोलक की काल अवधि होती है कितनी, सेकंड लोलक की काल अवधि कितनी होती है, तो इसकी जो काल अवधि होती है वह होती है 2 सेकंड, कितनी होती है, 2 सेकंड होती है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नींबू के रस एवं शुद्ध जल का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर पीएच मान क्रमशः हो सकता है कितना, नींबू के रस एवं शुद्ध जल का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर पीएच मान क्रमशः कितना हो सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 5 एवं 7। नींबू के रस का जो है पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, जबकि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 70 नंबर कह रहा है इसमें कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है किससे होकर, ध्वनि नहीं गुजर सकती है किससे होकर, तो देखिए यहाँ पे निर्वात से होकर जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब 71 नंबर, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है, द्रव्यमान की इकाई नहीं है, तो देखिए यहाँ पे डाइन जो है ये सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान की इकाई डाइन जो है नहीं है, बाकी पाउंड हो गया, ग्राम हो गया, किलोग्राम, ये सब के सब जो है द्रव्यमान की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 72 नंबर कह रहा है इसमें कि जल का शुद्धतम रूप है, जल का शुद्धतम रूप है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका आसूत जल, आसूत जल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन अब 73 नंबर कह रहा है इसमें कि उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व इनमें से कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा इसका हीलियम, क्या हो जाएगा, हीलियम जो है उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 74 नंबर, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है, सही आंसर हो जाएगा इसका पास्कल का नियम, ठीक है, पास्कल नियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 75 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इबोला बुखार, क्या हो जाएगा, इबोला बुखार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था जीके जीएस और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, बाकी जो है इसमें यहाँ पे अब 50 क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस सेट में, 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से है यहाँ पे, रीजनिंग से, और 25 क्वेश्चन जो है मैथ का है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर टिक किया हुआ पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे विलेजर्स कॉन्सेप्ट पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।